ओके दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इनफिनिक्स नोट 12 VIP के बारे में। दोस्तों, क्या ये स्मार्टफोन आपको बाय करना चाहिए नहीं? दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल में बताऊंगा इस स्मार्टफोन की प्राइस एंड इस स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशन। अब से जैसे कि आप लोगों को पता है कि रोज जो न्यू से न्यू स्मार्टफोन इनफिनिक्स या ओप्पो या टेक्नो कोई भी जो कंपनी के स्मार्टफोन डेली बेसिस पे आते रहते हैं, वहाँ पे हमें ये फैसला करना काफ़ी मुश्किल होता है कि हमें कौन सा स्मार्टफोन बाय करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप लोग भी इनफिनिक्स लवर हैं तो आज की इस वीडियो को आप लोगों ने एंड तक देखना। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है इनफिनिक्स नोट 12 VIP अभी स्मार्टफोन निकला है, तो क्या ये स्मार्टफोन अपनी प्राइस के साथ अच्छा है या नहीं, आज की वीडियो में आपको यही डिटेल में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आप दोस्तों से बात करना छोटे रिक्वेस्ट है, अगर आप द टेक लेक्चरर यूट्यूब चैनल में न्यू हैं तो अभी द टेक लेक्चरर सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन प्रेस करें ताकि आप लोगों को इसी तरह की मोर इन्फॉर्मेटिव मिल सके। अब तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्मार्टफोन की जो है डिस्प्ले के बारे में। अब दोस्तों, यहाँ पर आपको जो डिस्प्ले मिल जाती है वो 6.7 इंच मिल जाती है, और अगर देखा जाए स्मार्टफोन की शेप वाइज तो यार इसकी जो शेप है वो आपको काफ़ी हैवी किस्म की मिल जाती है। जो आपको बैक एंड पे कैमरा मिलता है वो काफ़ी बड़ा मिल जाता है, मतलब जो इसमें सेंसर लगा है वो काफ़ी ठीक ठाक है। अब तो यहाँ पर मैं बात करूँ स्मार्टफोन के कैमरा की, तो आप लोगों को 108 मेगापिक्सल कैमरा मिल जाता है। अब इनफिनिक्स होने के बाद आपको 108 मेगापिक्सल कैमरा कोई ज़्यादा नहीं है, क्योंकि इनफिनिक्स का वैसे भी कैमरा नॉर्मल ही होता है। अगर मैं बात करूँ स्मार्टफोन की जो है रैम के बारे में, तो आपको ये दो वैन में मिलता है पाकिस्तानी मार्केट में या और कहीं भी आप देख लें। ये दोस्तों, एक आपको मिलता है 4GB और 1GB, और यहाँ पर जो मैं आपको प्राइस बताऊँगा वो 8GB वैन वाले की बताऊँगा, 4GB वाले की नहीं बताऊँगा। 4GB वाला आप वैसे भी बाय ना करें, क्योंकि ये इनफिनिक्स का स्मार्टफोन है, ये वैसे ही स्लो होते हैं। यहाँ पर मैं बात करूँ स्मार्टफोन की जो है प्रोसेसर की, तो हीलियो G96 का आपको इसका प्रोसेसर मिल जाता है। प्रोसेसर इसमें काफ़ी फंटास्टिक लगा हुआ है, तो कहने का मतलब ये प्रोसेसर वाइज यहाँ पर आप कोई भी जो है कंप्लेन नहीं आएगी। अब दोस्तों, अगर मैं बात करूँ स्मार्टफोन की बैटरी वाइज, तो 4500 mAh बैटरी मिल जाती है, और अगर बात करें स्मार्टफोन की प्राइस की, तो आप लोगों को पाकिस्तानी मार्केट में सिर्फ और सिर्फ 55,000 का मिलेगा। अब दोस्तों, अगर देखा जाए स्मार्टफोन की प्राइस की, तो यार इसकी प्राइस काफ़ी कम है। अब 55,000 में आपको कोई भी ऐसा स्मार्टफोन नहीं मिलेगा किसी और जो है ब्रांड में, तो वो जो भी आपको मिलेंगे वो उसकी जो स्पेसिफिकेशन होगी वो नॉर्मल होगी। यहाँ पर आपको जो है इनफिनिक्स ने 108 मेगापिक्सल कैमरा भी दिया है, और आपको स्क्रीन भी काफ़ी जो है अच्छी दे दी है। अब दोस्तों, अगर बात करें स्मार्टफोन की शेप वाइज, तो शेप इसकी काफ़ी अच्छी है। बैक एंड में जिसको कैमरा दिया गया है वो एक यूनिक सा ही आपको एक लुक जो है प्रोवाइड करता है। अब तो जो भी मैंने आपको चीज़ें बताई है अपनी जो है रिसर्च करने के बाद ही आप लोगों के साथ शेयर किए, ये नहीं है कि कोई भी स्मार्टफोन आया मैंने उस पर वीडियो बना दी। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो भी आपको मैंने स्पेसिफिकेशन बताई है बिल्कुल रियल है, यही आप जो है इंटरनेट पर चेक कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर बात करें स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशन की और इसकी प्राइस साइज को कंपेयर करें, तो ये स्मार्टफोन वैल्यू ऑफ मनी है, ये आपको बाय करना चाहिए। क्योंकि 55,000 में आपको कोई भी ऐसा स्मार्टफोन नहीं है जो आपको इस तरह की स्पेसिफिकेशन दे। अगर कोई दे रहा है तो नीचे मुझे लाजमी कमेंट करके बताइएगा। अब दोस्तों, ये थी छोटी सी वीडियो जिसमें मैंने आपको कंप्लीट डिटेल में बता दिया कि आपको इनफिनिक्स नोट 12 VIP बाय करना चाहिए या नहीं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज की छोटी सी वीडियो से थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अगर आप लोगों को वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप ऐसी मोर इन्फॉर्मेशन FCO टेक्नोलॉजी लेक्चर्स में चाहते हैं, तो अभी टेक लेक्चर आप सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन प्रेस करें ताकि आप लोग इसी तरह की मोर इन्फॉर्मेटिव मिल सके। अब दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिए अपना ख्याल। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब टू टेक लेक्चरर यूट्यूब चैनल for more interesting and informative videos.